उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पीड़ित परिवार वालों से मिलने के लिए जाते समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रोका गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने कुरुक्षेत्र के अग्रसेन चौक पर खूब बवाल काटा। इस मौके पर कांग्रेस नेता जगबीर जोगनाखेड़ा ने चौक पर बैठकर विरोध में सिर का मुंडन भी करवाया। इस मौके पर जगबीर जोगनाखेड़ा ने कहा कि मोदी व योगी की तानाशाही खूब देखने को मिल रही है। आज ऐसा समय आ गया है कि पीड़ित परिवार वालों से मिलने से भी रोका जा रहा है। परिवारों को मिलने जा रही प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर कांग्रेस जनों ने कुरुक्षेत्र अग्रसेन चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस तरह से मोदी योगी की एक तानाशाही यूपी में देखने को मिली कि प्रियंका गांधी जी जो पीड़ित लोग थे उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, उन्हें रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक तानाशाही रवैया जिस तरह से मोदी सरकार और योगी सरकार अपना रही है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। सभी साथियों ने कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, एक तरह से ये एक उन्हें आगाह किया गया है कि यदि आपने ये तानाशाही बंद नहीं की तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक पूर्ण जोर तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। अगर उसमें कुछ भी हानि होती है तो उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार होगी, योगी सरकार होगी। तो आपने आज मुंडन कराया यहाँ पर रोड शो करके, इसके क्या हम शांतिपूर्वक ढंग से इस सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है और जिस तरह से हमारे सीनियर नेताओं के ऊपर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, उसके लिए बाल कटवाना तो बहुत छोटी बात है, उसके लिए हम गर्दन भी कटवा सकते हैं। जी मैम, और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा अत्याचार यहाँ किया है, ये उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है। प्रियंका जी राजनीतिक होने के साथ महिला भी है, आपने देखी है उनकी हिम्मत है, महिला होते हुए गिरफ्तारी दे दी है, पूरी की पूरी कांग्रेस के साथ है। और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।